हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊंगी जादूवासिनी। देखिए, जो मैं पूजा करके आई हूँ उसका रिज़ल्ट तो बखूबी बहुत ही अच्छा और बहुत ही अनोखा आया है, बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसी बात है। लेकिन अभी बात ऐसी है कि अभी का टाइम है शक्तियाँ लेने का, ठीक है। अभी आज से 4 दिन बाद अमावस्या है, आज 1 तारीख है, 6 तारीख को, 5 तारीख को अमावस्या है। 5 को शाम से शुरू होगी, 6 को दोपहर तक ख़त्म होगी, पूरी होगी सॉरी। और 6 तारीख से है गुप्त नवरात्रि, कामाख्या गुप्त नवरात्रि है, जहाँ कामाख्या 10 महाविद्याओं की शक्ति प्राप्त की जाती है। कल भी मुझे किसी ने मैसेज किया था, माँ मुझे पहले उसे बहुत पहले मैसेज किया था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, 2022 में शादी हुई, अब उसको बच्चा नहीं हो रहा है। देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि ये शक्तियाँ लेने का टाइम है। पैसे का फ़ायदा बाजू में छोड़िए। मुझे बहुत सारे जन बोलते हैं लॉटरी में नाम डालना है, ये डालना है, वो डालना है, वो डालना है, जो भी आप व्हाट्सएप पे बात कीजिए, लेकिन फ़िलहाल ये वक्त सिर्फ शक्तियाँ लेने का है, शक्तियों को सिद्ध कराने का है, मारण मोहन वशीकरण का। क्योंकि इस वक्त जो काम होगा वो 24 घंटे में रिजल्ट है। अगर आपको आपके दुश्मन को ऊपर पहुँचाना है, अभी से नाम लिखाना शुरू कीजिए। 5 तारीख से 6 तारीख को पूजा होगी, 7 तारीख को आपको रिजल्ट आ जाएगा। 24 घंटे में आपको रिजल्ट आएगा। कैसा भी मारण मोहन वशीकरण, कैसा भी आपका प्यार छोड़ कर चला गया रहेगा, आएगा। लेकिन अभी आप बोलोगे कि 6 तारीख को होने वाला है तो हम 6 तारीख को काम दे, तो ऐसा नहीं होगा। फिर आपको अगली अमावस्या तक रुकना पड़ेगा। मैं क्लियर बोल रही हूँ, बहुत सारे जन ऐसे करते हैं, जानबूझ के क्या करेंगे, माँ प्लीज़ कल अमावस्या हमारा काम कर दो, मैं तो काम ले लूँगी, फिर वो अगली अमावस्या तक रिजल्ट आएगा। इस वक्त विधानसभा के इलेक्शन का टाइम है, इस वक्त विधानसभा के जो इलेक्शन का टाइम है उसमें आप लोगों को करना है। अभी विधानसभा की टिकट नहीं मिली है, मैंने पता है आपको लोकसभा के चुनाव में कितनों की टिकट रोकी है। इंसान ने पूरा हाथ पैर मार लिया लेकिन टिकट नहीं पा पाए थे, टिकट रोक दिया था। ये बात तो बखूबी से हमारे ग्रुप वाले जानते हैं कि जिनकी हमने टिकट रोकी थी। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने हमसे एटीट्यूड दिखाया था, हमारे सामने घमंड दिखाया था। हम आपको इज्जत दे रहे हैं, हम आपको प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, इमरजेंसी में आपको जब मांगा मुँह मांगा पैसा दे रहे हैं, और आप हमारे टाइम पे काम नहीं आएंगे। उल्टा आपने क्या किया, हमारी शादी में कलेक्टर और पुलिस भेजा कि बड़ी रकम। पैसों के लिए इतना नहीं गिरना चाहिए, पैसों के लिए इतना नहीं गिरना चाहिए। और दूसरी बात, अघोरी और पंडितों से पंगा नहीं लेना चाहिए। हम और अघोरी और पंडित आपकी 7 पुस्तकें बढ़ा भी सकती हैं और आपको आजीवन के लिए अकेला भी छोड़ सकती हैं। ये बात याद रखिए, ये बात पक्की याद रखिए। हम अघोरी पंडित पहली बात तो कभी किसी को धोखा देते नहीं है, जिसका हाथ पकड़ते हैं ज़िंदगी भर के लिए पकड़ते हैं। लेकिन अगर किसी को बर्बाद करने के लिए एक बार सोच लेते हैं ना, तो जब तक उसके घर में कोई दिया जलाने वाला ना बचे उसका पीछा नहीं छोड़ते। हम उन नागिन के जैसे हैं कि नागिन को जब नागिन जब किसी का बदला लेने का सोच लेती तो वो पीछे नहीं हटती। ये बात ही कुछ हमने किसी और के साथ किया है तो सीधी बात है। और मुझे इस बारे में कोई वो नहीं है, क्योंकि जब हम आपको आपके एक फ़ोन कॉल पे और एक मैसेज पे हम आपको तुरंत पैसा भेजवा सकते हैं, तो आपका भी काम है कि सारा काम छोड़ के हमारे काम के लिए आपको आके खड़े रहना चाहिए। उल्टा आपने क्या किया, लोगों में भड़काने वाला काम कर दिया, और एक बार भी ये डर नहीं लगा कि ये हमारा वर्चस्व ख़त्म कर देगी। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले सामने वाले का पैसा ख़त्म करती हूँ, फिर सामने वाले का मान सम्मान ख़त्म करती हूँ, फिर सामने वाले की ऐसी हालत करती थी एक टाइम, जो उन्हीं के आपस के लोग जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मान सम्मान करते हैं, उनकी नज़रों में गिरा देती हूँ। ऐसी बात है। जैसे हमारे ख्वाजा जी का एक है कलाम है, अब इन आँखों में जचता नहीं कोई, जैसा मेरा ख्वाजा है वैसा नहीं कोई। तो ऐसे कुछ लोग किसी के आँखों में बहुत चढ़े हुए रहते हैं, हम उनको पहले उनकी नज़रों से गिरा देते हैं, ये काम पहले करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, बहुत सारे लोग मेरे पीछे पहले भी पड़ चुके हैं, बहुत सारे लोगों का मैंने पहले भी बैंड बजा दिया है, लेकिन वो बार बार बातें बोल के मतलब नहीं। अभी जो प्रेजेंट क्या चल रहा है, प्रेजेंट की बातें करती हूँ मैं। विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होगा, अगस्त से आचार्य संहिता लागू हो जाएगी। तो ये बात तो पक्की है कि आचार्य संहिता लागू होगी तो इस बार गणपति में भी कोई बैनर लगेगा नहीं, ये बात तो पक्की हो गई है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि विधानसभा के इलेक्शन में बड़ी बहुमत से जीते, एक नाम हो, ओहदा हो, तो आप नाम काम दीजिए। यहाँ तक कि अगर आपको टिकट नहीं मिलने वाली रहेगी ना, आप मुझे जगह और का बताइए कि इस ज़िले से, इस जगह से मैं टिकट लेने को सोच रहा हूँ, और मुझे टिकट मिलेगी और उस जगह की पूरी पब्लिक को आपकी तरफ वशीकरण करने में काम करूँगी। लेकिन अगर वो जगह मेरे उद्धव वाला साहब ठाकरे जी की रहेगी तो वहाँ पर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके लिए तो पूजा 2 साल से चालू है। मेरे उद्धव वाला साहब ठाकरे जी की और राहुल गांधी की जीत होनी है।
सबने कहा कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का आपके भाई है, राहुल गांधी जी आपके कौन है? कोई नहीं है, बस वो मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ है, मेरे भाई के साथ है, बस इसीलिए मैं उनका काम कर रही हूँ, बाकी मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी बात है, हमारा मुद्दा बस एक है, और मेरा कहते हैं ना प्रण बस एक है, जिन्होंने गद्दारी की है उनको ऊपर पहुँचाना है। आज है 1 जुलाई, आने वाली 14 जुलाई आप सब पे बहुत भारी है। जितने लोगों ने 75 बागड़ बिल्ले हैं, वो 75 बागड़ बिल्लों के लिए आज से 14 जुलाई तक बहुत भारी है। जैसे ही अमावस्या की 6 तारीख निपटेगी, वैसे ही धीरे 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 एक एक बागड़ बिल्ले ख़त्म हो जाएंगे। मैं कुछ अपने लोगों को भी कहूँगी कि देखिए, होता है, हम अघोरी पंडित हैं, कभी किसी का पैसा थोड़ा बहुत बाकी रह जाता है या रह जाता है, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास से डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाली हूँ। आपको मैं भले ना ढूंढ पाऊँ, लेकिन आप मुझे बड़े आसानी से ढूंढ लेंगे, क्योंकि लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं ना, उनको ढूंढना कोई बड़ा काम नहीं है, कहीं भी रहते हैं। मैं बस, पहली बात, मैं अपना काम ऑनलाइन करती हूँ, पूजा पाठ सिखाने का काम ऑनलाइन करती हूँ, लोगों का पूजा पाठ का काम भी ऑनलाइन लेती हूँ, क्योंकि मैं मंदिर मस्जिद भटकती रहती हूँ। मैं अपने घर में कोई बाबागिरी नहीं करती, क्योंकि घर में बैठे कोई पूजा नहीं होती है। घर में इंसान खाता है, सुबह उठता है, छोटी बहुत स्वास्थ्य पूजा करता है, खाना बनाता है, खाता है, सो जाता है, वहाँ ये पूजा नहीं होती। तंत्र मंत्र की पूजा जगह जगह पे, जो मंदिर की जगह है वहाँ पे ही होती है। आप कहीं भी सोचेंगे कहीं भी पूजा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। मंदिर के 500 मीटर के एरिया में अगर आपने पूजा की है तो वो माँ तक पहुँच जाती है। अब मैं, अब समझो काड़ू भाई मेरी सातारा में है और मैं यहाँ बैठे बैठे पूजा करूँगी, ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं जगह जगह पे जाके पूजा करती हूँ और तुरंत एक्टिव होकर तुरंत काम करता हूँ। ऐसी बात है, तो इस वक्त ऐसा है कि इस वक्त आप लोग इसमें ध्यान दीजिए ना, वो काम दीजिए, शक्तियाँ लीजिए। अगर आपको विधानसभा के इलेक्शन में टिकट चाहिए उसके लिए मुझे काम दीजिए, विधानसभा में आपको जीतना है बड़ी बहुमत से उसके लिए काम कीजिए, लेकिन उसके लिए अच्छा खासा पैसा लगेगा। आपके पास दम है तो दीजिए, मैं करके देती हूँ। दूसरी बात, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ, फिर से बोल रही हूँ, मेरा मिलना मिलाना काम नहीं है, क्योंकि आप जैसे लोग हैं ना, आप जैसी जनता है ना, दोगले हैं। आप लोग क्या करते हैं मालूम है? अगर चमत्कार पे नमस्कार, कितनी औरतें खुद बाबाओं के पास जाती है, नंगी होती है, सो जाती है, और बाद में अगर उनकी कोई बात काम नहीं होती तो फिर वही औरतें बाबा लोग को बदनाम करती है। आज की तारीख में जितने बाबा अंदर है ना, इन फालतू औरतों की वजह से। ऐसी बात है, अभी हम औरतें तो डंडा लेके घूमती नहीं कि किसी की गांड में घुसा सके, सही बात है ना? तो हमारे तक कोई चीज़ आता नहीं, और मैं बहुत तरीके से काम करती हूँ। मैं ऐसा काम करती हूँ कि मुझे कोई नहीं फंसा सकता। प्यार से बोलोगे तो जिगर और जान निकाल के दूंगी, और अगर दिमाग पे लगोगे तो तुम्हारी जान लेने का टाइम काम में कर सकती हूँ, ये बात याद रखना। ये काम तो सबने आज तक देखा कि जो मुश्तक आया है उसके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा है, ये बात याद रखो। आपको पता है, मैं वसई में रहती थी ना, वसई के बंगले में मैं ईमानदारी से सामने वाले का पैसा दे रही थी। उसने कुमाता जैसी औरत का सुन के मुझे उस बंगले से हटाया, लोगों की बातें सुन के उस बंगले से हटाया। उसका एक पागल बेटा वहीं मर गया, भगवान ने उसको वहीं सजा दी। मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरी शक्तियाँ करती है। आपको क्या लगता है, इतनी सारी शक्तियाँ सिद्ध करके रखी है, आप अगर मेरा बुरा सोचोगे तो शक्तियाँ आपको छोड़ेंगी क्या, बताओ? जिन लोगों ने मुझे इंजेक्शन ला के दिए और बाद में क्या बोले, आपके छोटे बच्चे थे क्या, हमने आपको ला के दिया, आज उन्हीं के बच्चे ड्रग्स चरस गांजा बाहर बेच रहे हैं, ठीक है? ऐसी बात है, जिसमें दूसरे अब गोराई में इतनी मेहनत से, इतना पूरी पूंजी लगा के एक बंगले में रही 6 से 7 साल, वहाँ से भी मुझे कुछ लोगों ने निकालने में कमी नहीं छोड़ी, आज उनके बच्चे पागल होके घूम रहे हैं, और जिन्होंने मुझे घर से निकाला उनके घर में भी कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा, ये बात मेरी है। जो मेरे घर के दरवाजे तक आके मुझे धमकी दे के गए ना, वो दोनों की मौत भगवान ने 2 साल के अंदर कर दी, और हार्ट अटैक से की, कोई खाने वाला पीने वाला बचा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ, प्यार से बोलो ना, दिल जिगर जान निकाल के दूंगी। दिमाग में लगोगे तो तुम्हारे खानदान में कोई बचेगा नहीं, ये वादा कर रही हूँ मैं। तुम्हारे घर में कोई आग जलाने वाला नहीं बचेगा जिंदगी भर। तुम लोग जिस तरह से लोगों को अकेले छोड़ते हो ना, उस तरह से तुम लोग अकेले रहोगे। ये काम मैंने शुरू किया है कुछ लोगों के लिए, और 14 जुलाई तक ये काम का रिजल्ट आएगा, ये बात याद रखना। क्यों, मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है कि नहीं? कहाँ इंसान नज़रों में चढ़ के भोलापन दिखा के हर जगह पे इंसानों का फुटेज लेने की आदत पड़ गई थी, आज ऐसी है कि इंसान आँख उठा के भी नहीं देख रहे, क्या हो गया? अरे अभी तो मज़ा देखो, अभी तो मैं पूरे घर के नज़रों में गिराऊंगी, पूरी दुनिया के नज़रों में गिराऊंगी। क्यों? गलती यही है
कि मैं किसी के रास्ते में नहीं आ रही थी, मेरे रास्ते में क्यों आए, मैं तो अपने सफ़र में अच्छे से थी, पूजा पाठ में सफ़र में अच्छे थी, मेरे रास्ते आने में क्या ज़रूरत थी, ऐसी बात है। तो आज से एक जुलाई है, 14 जुलाई तक जिस तरह से तुम लोग लोगों की ज़िंदगी ख़त्म करने को देखते हो ना, तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आजीवन तुम लोग अकेले रहोगे, पागल होके खुद फांसी लगा के आत्महत्या नहीं किया ना तो विद्या देवी नाम की नहीं, नाम बदल देना, घर पे चप्पल से मार के जाना। एक बात याद रखना, मैं ऐसी किसी को नहीं छोड़ती हूँ। अगर कोई मेरे दिमाग पे लगता है, कोई मुझे कोई शब्द ना बोलता है या मुझे कोई धमकी देता है, एक जन ने कुमाता जैसी औरतों ने मुझे नोटिस भेजा था तो मैंने उसको ऊपर पहुँचा दिया, जा यमराज के साथ बैठ के नोटिस खेल। यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, आप लोगों को पैसा मिलने के बाद भी आप लोगों फालतूगिरी करते हैं। कोर्ट और कानून तुम्हारे बाप की जायदाद नहीं है, ऐसा नहीं हो कि फिर तुमको भी मैं ऊपर पहुंचा दूं और ऊपर बैठ के तुम लोग कानून लड़ते रहो भिड़ते रहो। ये पता है कौन करता है, ये जो दुनिया की चोरी और दुनिया का खा के बैठते हैं ना, यही दूसरों के साथ ऐसा काम करते हैं। ऐसी बात है, कोई बात नहीं। देखो आप मेरे को, मैं रहूँ चाहे आप रहो, अगर हम दूसरों का हराम का लेके अपने बच्चों को खिलाएंगे ना, वो हमारे बच्चों को कभी नहीं फलेगा, कभी नहीं फलेगा। वो पैसा या तो बीमारी में जाएगा या इसमें जाएगा। मेरे बच्चे लॉकडाउन से लेकर अब तक मेरे बच्चों को कभी बुखार नहीं हुआ। ये जो लोग बोलते हैं ना तुमको भगवान देखेगा, भगवान मुझे बराबर देख रहा है। मेरे घर में मेरे बच्चे कभी बुखार से तबीयत से बीमार नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। मैं हमेशा अपने पथ पर चलती हूँ, अपने लाइन से चलती हूँ। मैं कभी किसी के बच्चों का बुरा नहीं सोचती हूँ। लेकिन जो लोग ऐसी हरकत करते हैं, लोगों को केस नोटिस भेजना, ये करना, लोगों के घर में ध्यान देना, उनके घर में आप देखो बगैर दवा खाए एक भी दिन नहीं निकलता है। एक भी दिन बगैर दवाई खाए, एक भी दिन बगैर झगड़ा किए, एक भी दिन बगैर मुसीबत आए, एक मुसीबत जाती दूसरी मुसीबत आती, ऐसा आए बगैर एक भी दिन नहीं रहता। और ख़ास करके अब तक जितने लोगों ने विद्या देवी से पंगा लिया है उनका तो मैंने वर्चस्व ही ख़त्म कर दिया है। मैं उनके पैसे पहले सबसे पहले पैसे ही खींच लेती हूँ, न रहेगा बात से बचेगी बात से, क्योंकि आदमी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है पैसा। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, इस दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। पैसा है ना तो चार लोग आपके पैरों में आके गिर के आपकी बात मानेंगे, पैसा नहीं है ना तो आपको भाव भी नहीं देंगे। कौन हो भाई आप, हम नहीं जानते आपको, ऐसी बात है। तो बस मज़ा देखो, आज है 1 जुलाई, 14 जुलाई का वेट करो, जो होगा वो बड़ा शानदार और बड़ा अनोखा होगा। और मुझे पता चल रहा है कहाँ क्या हो रहा है। अभी तो कहते ना, अभी तो इससे भी बुरा करना है, इससे भी बुरा, ऐसा बुरा कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। ना शक्ल देखने ताकने लायक रहेगी, ना अकल समझने लायक रहेगी, ना जेब में पैसा रहेगा, ना कहते ना, ना किसी चीज़ की अकड़ रहेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसी बात है, मेरी बात को नोट करके रखो। अच्छे अच्छों का घमंड विद्या देवी ने तोड़ा है, और मेरे से प्यार से रहने में ही भलाई है। मेरे से गुस्से में रहोगे, मेरे से अकड़ में रहोगे तो देखा ना, एक दो जनों का विधान लोकसभा का चुनाव का टिकट ही छीन लिया। ऐसी बात है, हम लोग किंग मेकर है भाई, किंग द मेकर। हम बनाना बिगाड़ना अच्छी तरह जानते हैं। हम आपको कहते ना मंत्री के पद पे भी बिठा सकते हैं, और हम चाहे तो आपको रोड पे बिठा के कटोरा मांग के भीख भी मंगवा सकते हैं। ये काम हमारा है, हमें कोई शर्म नहीं। हम तो जन्म जात के नंगे, हमको तो, मेरे को तो आप गंगा किनारे बिठा दो एक जगह, रोड पे भीख मांगने को बिठा दो, एक साल के बाद देखो कि फिर मैं आपको बंगले में नजर आऊँगी। इतना टैलेंट तो मेरे अंदर है, ये बात तो याद रखना। ठीक है, जय माता जी।